वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोग स्वागत है और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक कमेंट के बारे में जो मेरे पास कमेंट आया है, और वो भी मिक्सर से रिलेटेड आया है कि जो मिक्सर में मटेरियल जब डलता है तो मिक्सर ट्रिप हो जाता है, लेकिन फॉल्ट जब हटाते हैं फिर से ऑन हो जाता है। और मैं वो आपको मैसेज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो ये मैसेज आया हुआ है, सर CP30 प्लांट है स्विंग स्टेटर का, जैसे ही स्किप माल मिक्सर में डालता है और मिक्सर एक राउंड घूमता है और बंद हो जाता है, और फॉल्ट को क्लिक करके चलाते हैं तो सही चलता है। ऐसा हर बैच में लगभग हो रहा है, वोल्टेज सब कुछ चेक कर लिया, सब ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने वोल्टेज चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, और मिक्सर जो ट्रिप हो रहा है ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो रीजन क्या हो सकता है ऐसे सिचुएशन के लिए? देखिए, जब स्किप मटेरियल लेके आ रहा है और टॉप पे आने के बाद जब मिक्सर में डिस्चार्ज हो रहा है, जब मिक्सर में लोड पड़ रहा है, तब ट्रिपिंग फॉल्ट आता है। तो यहाँ पे अब मेन पैनल ट्रिप हो रहा है तो वो अलग रीजन है, और सिर्फ मटेरियल डिस्चार्ज होने के बाद मिक्सर घूम के मिक्सर वनली ट्रिप हो रहा है, तो उसका रीजन एक ही है कि आप जो MPCB लगा है या तो वो लोड नहीं ले रहा है या तो ओवर लोड रिले से कनेक्ट है, तो उसका रीजन है। लेकिन ये जो ट्रिप हो रहा है ओवर लोड पे, तो जो फॉल्ट आता है ओवर लोड का, ये जो मिक्सर पे लोड पड़ने की वजह से होता है। जब मिक्सर पे लोड पड़ता है तभी ऐसा ट्रिपिंग होता है, और इसमें कोई खास रीजन नहीं होता है। और ऐसे सिचुएशन में जो एक बार एक्चुअल एम्पियर चेक करना है, और उसके बाद और जो कॉन्टेक्टर ऐसा तो नहीं है, और जो उसकी आउटपुट फेज निकल रही है, टू फेज निकल रही है, तो जो आउटपुट के बाद कोई इसमें सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ एम्पियर पे वही ट्रिपिंग होगा। जो यदि पैनल में मेन इनपुट से दो फेज आएगा, एक नहीं आएगा, तो फेज सीक्वेंस रिले से वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन किसी कॉन्टेक्टर के माध्यम से ही दो फेज जा रहे हैं तो वहाँ पे ये सब सिस्टम नहीं काम करेगा, सिर्फ वहाँ पे लोड की वजह से ट्रिप होगा। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले तो MPCB चेक करना है, कॉन्टेक्टर चेक करना है, और उसके बाद यदि सब कुछ सही है तो ये तो मिक्सर में गियर की प्रॉब्लम हो सकती है, जो ओवरलोड से जो बैरिंग खराब हो उसकी वजह से वो ट्रिप हो सकता है लोड की वजह से। इसमें ऐसा कोई सेटिंग नहीं है जिसके द्वारा इस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। ऐसा प्रॉब्लम जो होता है, जो मिक्सर पे लोड पड़ेगा तभी होगा, और इसमें कोई खास सेटिंग के माध्यम से फॉल्ट को नहीं हटा सकते हैं। तो जिस भाई साहब के कमेंट हैं, तो आप ये बात समझ लीजिए कि इसी प्रकार से आपको चेक करना पड़ेगा कॉन्टेक्टर, MCB और ओवरलोड रिले लगा है तो यह वोल्टेज फ्लैक्चुएशन से भी होता है। ये वोल्टेज फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ओवरलोड रिले होता है, उससे भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन वहाँ से फॉल्ट हटाने के बाद फिर से प्रॉपर वर्क हो जाता है। तो आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो इस तरह से जो आप सिस्टमेटिक उसको चेक करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।